अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी के कारण चालू खाते घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर के लिए देख, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तेल जो है उससे आखिरकार इफेक्ट क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये देखा जाए, तेल जो ये ऑयल है, अगर ये कच्चा तेल, इसकी जो कीमत है अगर कम हो रही है, ठीक है, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों पर इफेक्ट कर देता है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। कैसे डालेगा? देखो, अगर तेल की कीमत कम हो गई तो परिवहन का जो साधन होगा, जो कि हम जैसे कि जहाज के द्वारा जो लाते हैं सामान, वो या देश के अंतर्गत यातायात रेलगाड़ी के द्वारा होता है, लाना ले जाना, या फिर दूसरा होता है हम ट्रक के द्वारा जो लाते ले जाते हैं, तो इन सब में क्या होगा, इन सब में कमी हो जाएगी क्योंकि प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब भारत के चालू खाते घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक बात बताओ, अगर वस्तु कम हो गई तो वस्तु का, यहां पर तेल की कीमत कम हुई है, अगर नॉर्मली हम देखें तो जो हम गुड्स बना रहे थे वो अगर पहले 20 रुपए की तय होती थी, क्योंकि उसमें प्लस ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तो था, लेकिन अब वो कितने रुपए की होगी, 18 रुपए की। क्यों? क्योंकि तेल सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें होती हैं अर्थव्यवस्था से, जो हर चीज परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट ही सस्ता हो गया तो गुड्स का जो कॉस्ट होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सस्ता हो जाएगा। अब चालू खाते का घाटा, चालू खाते का घाटा समझते हैं। यहां पर ये देखेंगे हमने गुड्स कैसी हो गई, हमारी सस्ती हो गई, ठीक है। चालू खाता घाटा कब होता है? जब दृश्य और अदृश्य, ये जो आयात होता है, ये होता हमारा निर्यात माइनस आयात, ठीक है, निर्यात माइनस आयात। लेकिन अगर हमारा आयात ज्यादा हो जाए, हम आयात ज्यादा कर रहे हैं निर्यात कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा चालू खाता होता है वो जो घाटे में चला जाता है। अब देखो यहां पर हमारी गुड्स कैसी हो गई, सस्ती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहां से खरीदेगा, हमारे देश से, मतलब जो हमारा ये जो इंडिया है, इंडिया, इससे लोग वस्तुओं को खरीदने लगेंगे, मतलब हम निर्यात करने लगेंगे और लोग क्या करने लगेंगे, आयात। तो मतलब हमारा निर्यात क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, और आयात क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो जो निर्यात और आयात का अंतर है वो कहीं ना कहीं तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि चालू खाता जो घाटा था वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी ही कीमतें बढ़ें, वो हमारी कीमतें घटें वस्तु की। और अगर कीमतें घटें तो ये जरूरी नहीं है कि आयाती हमारे निर्यात बढ़ जाए, भाई और देशों में तो कीमतें घट रही हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में पहली बात तो जो गवर्नमेंट है वो जितनी तेल की कीमत कम हुई है उतनी तेल की कीमत अपने देश में कम नहीं करेगी, उसमें वो बहुत, अभी भी अगर मान लिया जाए पहले 60 रुपीज बैरल अगर यहां पर तेल आ रहा था तो अभी भी 60 या 59 रुपीज कर देगी जो तेल देगी, अगर उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो। क्यों? क्योंकि सरकार का जो चालू खाता है वो घाटे की स्थिति में, और घाटे की स्थिति में अगर उसको सुधारना है तो वो क्या करेगी, वो तेल को, कीमतों को ज्यादा कम नहीं करेगी और कुछ कम जरूर करेगी, जिससे कि गुड्स पे इफेक्ट पड़े और यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिक होना है, साथ साथ में वस्तुएं सस्ती होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी पता चले कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो तेल की कीमतें कम हो चुकी है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होगा, हमारी वस्तु सस्ती बनेगी, निर्यात भी बढ़ेगा, एक प्लस पॉइंट तो हमारा ही हो गया। दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट किसके पास रखेगी, अपने पास, किसको पूरा करने के लिए, चालू खाते घाटे को, क्योंकि केवल निर्यात के ऊपर डिपेंड करके वो चालू खाता घाटा पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अपने पास भी रखती है।